सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो एंजॉय कैसे करोगे? डिनर में बॉय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ग आउटसाइड बंगाल। होप ऑल आर डूइंग वेल। एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब टू बॉन्ग आउटसाइड बंगाल एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। आज 24 आवर्स ईटिंग चैलेंज के लिए मैंने जो आइटम पिक किया है वो बहुत ही डिलीशियस एक आइटम है एंड सभी को बहुत पसंद है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी स्नैक्स में मैं वो एंजॉय करूँगी और कुछ रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस कुछ रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। आज होने वाला है 24 आवर्स के लिए मैगी ईटिंग चैलेंज। यस, टुडे इज अ मैगी डे, सो मैगी ईटिंग चैलेंज। तो देर ना कर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एंजॉय टुडेस फीस्ट। सो चीजी पीजी मैगी के साथ आज का हो रहा है ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फूड मेरे लिए। तो सोते सोते मैं बेड में सो के ही सोचती रहती हूँ कि आज क्या खाना है, और जब भी चैलेंज का दिन आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि आज तो भाई पूरा दिन मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ओ, अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ क्योंकि ये ठंडा होने से ना ये चीज़ थोड़ा जम जाएगा, और मैं भी इसको एंजॉय करती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये कैसा बना, और आप भी बनाओ और एंजॉय करो घर पे। तो फर्स्ट मैं खा के बताती हूँ कैसा हुआ, फिर बनाना। फर्स्ट बाइट। अभी भी गर्म है। इट्स रियली टेस्टी। यम यम यम। ये चीज़ वाला मैगी खाने के बाद चीज़ी पीज़ी पास्ता के बारे में भूल जाओगे। डेफिनेटली यू लाइक इट। पूरा चीज़ कोटिंग हुआ है। इट्स रियली टेस्टी। आप इसमें कैरेट भी डाल सकते हो, देन बेल पेपर भी डाल सकते हो, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, देन कैरेट। अगर बीट रूट डालोगे तो रेडिश आ होगा उसका कलर। बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये कॉर्न। कॉर्न को डेफिनेटली डालना, क्योंकि कॉर्न और चीज़ का ना कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। इसके ऊपर ग्रीन चिली दिया ना गार्निशिंग के लिए, अच्छा लग रहा है। कॉर्न का स्वीटनेस और
चीज़ का क्रीमीनेस, उसके साथ थोड़ा सा हल्का सा तीखापन, इट्स रियली नाइस। मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी लाई हूँ, ट्राई करती हूँ, बट मुझे ऐवे ही खाने में बहुत पसंद, अच्छा लग रहा है। फिर भी जब लाई हूँ तो थोड़ा डाल लिया। ये ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में। आज मुझे सांभर खाने का बहुत मन कर रहा है और आज तो चल रहा है मैगी ईटिंग चैलेंज, पर सांभर कैसे खाऊं? बट मैं एक बात शेयर करूं आपसे कि मुझे सांभर इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं सांभर को ना बहुत तरह से खाती हूँ। नॉट ओनली कि दाल जैसे सांभर, नॉर्मल सांभर होता है वैसा नहीं, जो सांभर मसाला है उसका जो फ्लेवर है और इमली का जो चटक है, ओह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आपके साथ लंच में शेयर करूँगी सांभर मैगी। तो ये रहा मेरा सांभर मैगी, मैंने रेडी कर लिया है और कितना इजी भी है ना। तो मैं अभी खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। उफ, इसका फ्लेवर, ये सांभर का जो फ्लेवर है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। और ये वेजीज के साथ और इसका खट्टापन, स्पेशली द इमली का जो खट्टापन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। मैं पहले कॉलीफ्लावर और ये पनीर को खाती हूँ। इट्स रियली टेस्टी। और इसका जो अनियन छोटा वाला, ये टाइनी अनियन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो स्पेशली सांभर में डलता है। तो दिस इज फर्स्ट बाइट। इस यम यम, इसको तो बनाना पक्का, मैं बोलती हूँ ना, इसको एक बार ट्राई करना।
और इसका एक मज़ेदार बात क्या है कि आप इसमें जितना मर्जी वेजीज भी डाल सकते हो। पनीर ऑप्शनल है, अगर पनीर नहीं डालना चाहते हो तो आप मशरूम भी डाल सकते हो, मशरूम के साथ भी अच्छा जाता है बट पनीर के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। यू कैन ऐड एनी वेजीज बट इसमें ना कैप्सिकम मत डालना, क्योंकि सांभर में क्या होता है मेनली कैरेट देन मद्रास क्यूकम्बर ये सब डालता है ना, तो आप कैप्सिकम का एक फ्लेवर होता है, उसका एक अलग ही अपना फ्लेवर होता है, तो सांभर मसाले के साथ कैप्सिकम नहीं जाता है, वो दोनों का फ्लेवर एक साथ मिक्स्ड होके ना उतना अच्छा सांभर का जो मसाले का जो फ्लेवर है वो नहीं उभर के आता है, तो कैप्सिकम को मत डालना एंड कोरिएंडर लीव भी मत डालना, क्योंकि सांभर मसाले का जो मज़ा है वो चला जाएगा। लंच को मैं अभी एंजॉय करती हूँ। लुक एट दैट, और मुझे ये हैलपिनो के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा टेंगी टेंगी। यस, फर्स्ट बाइट। बहुत ही टेस्टी है ये। मैगी पिज़्ज़ा खाने के बाद ना बाहर के पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर करोगे, ये मैं पक्का बोल रही हूँ। इट्स रियली गुड। पिज़्ज़ा को हाथ से खाने का ही अलग मज़ा आया है ना, और ये चीज़ के साथ जो कॉर्न है ना, और ये जो मशरूम मैंने डाली ना वो भी एकदम परफेक्ट कुक हुआ है। मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल के खाती हूँ, उसमें मैगी मैगी ही है। मेरे साथ कौन कौन एग्री करते हो कि मैगी इट्सेल्फ ही अच्छा है और उसको अगर थोड़ा किक दे के कुछ ना कुछ बनाओ तो और भी टेस्टी हो जाता है, कमेंट करके बताना। और ये पार्टी स्नैक्स के लिए भी ना
बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है। और जब गर्ली पार्टी होता है तब आप इसको बनाओ गॉसिप के साथ, मैगी पिज्ज़ा, गप्पे और भी जम जाएगा। आज का पार्टी तो जम गया। और आज का वेदर भी थोड़ा अच्छा है क्योंकि अभी अभी थोड़ा सा बारिश हुआ, तो इसके साथ थोड़ा बाहर का वेदर भी अच्छा है और भी जम गया। आज का मैगी ईटिंग चैलेंज आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर करना। मैं ये लास्ट पीस को एंजॉय करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही मैगी ईटिंग चैलेंज, फिर मैं मिलती हूँ कोई मज़ेदार ईटिंग चैलेंज लेके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर एंड बाय बाय।